सिंधुपति महाराजा धारसेन के 1304वें बलिदान दिवस के अवसर पर गुरुवार शाम हरिभा उपाध्याय नगर पुष्कर रोड स्थित सिंधुपति महाराजा धारसेन स्मारक पर चतुर्थ राष्ट्रीय सिंधुपति महाराजा धारसेन सम्मान 2016 श्री प्रेम प्रकाश मंडल ट्रस्ट श्री अमरापुरा स्थान जयपुर को प्रदान किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप 51,000 रूपए के साथ स्मृति चिन्ह शॉल श्रीफल भेंट किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम हिंगलाज माता की पूजा अर्चना और धारसेन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ संत महात्माओं के आशीर्वचन और रंग भरो प्रतियोगिता के विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अजमेर विकास प्राधिकरण नगर निगम पर्यटन विभाग भारतीय सिंधु सभा और सिंधुपति महाराजा धारसेन विकास एवं समारोह समिति का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन सभी को प्रेरणा देता है। धारसेन स्मारक आज इसकी पहचान है। यहां आकर देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। महापुरुष हजारों वर्षों के बाद याद किए जाते हैं जिन्होंने देश के लिए निस्वार्थ बलिदान दिया था। उन्होंने संस्कृति को बचाया, उनको याद कर देश को देने का भाव पैदा होता है। दोस्तों, याद है कि शहीदों के चिता पर चलेंगे जिले, लगेंगे मेले, यही मतन पर मरने वालों का अंतिम निशा होगा। ये शेर अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। जिस समय बलिदान किया उस समय कल्पना नहीं थी एक कफन मिलेगा और कफन किस देश के ऊपर अपनी बलिदानी देंगे। केवल यही सोच करके इस देश के लिए इन सब ने अपने बलिदान दिए। आज इस बात का प्रमाण है कि हम सब मिलकर के उनको याद कर रहे हैं। और याद इसलिए नहीं कि उन्होंने देश को बलिदान दिया, बल्कि उस संस्कृति को, उनके त्याग को, तपस्या को, और एक प्रार्थना उसके बीच में रहती है कि हम सबको भी वो संस्कार मिले, इस देश पर आहुति देने की प्रेरणा मिले, इस देश के लिए कुछ ना कुछ हम कर सकें, इस बात को लेकर के चलें। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि वीर और संत के बिना यह धरती नहीं बच सकती। हमारी भी ऐसी संतानें हों जो देश के लिए जिए। इस अवसर पर शांतानंद आश्रम के महंत स्वामी हनुमानाराम महाराज के साथ आए संत महात्माओं ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। सही बताऊं कि हमारे सनातन संस्कृति को अपनी वेशभूषा कायम रखेगी, पर भले कुछ भी कहें, आप देखो जिनकी आप लोग कह रहे हो कि अंग्रेज छोड़ के चले गए, पर पेंट बुशेट हमें दे के आज तक कोई नहीं उतार रहा। अपनी मर्यादित तो वस्त्र भी होली दिवाली पे भी नहीं पहनेंगे, सिनाएंगे वही, पता नहीं। और आजकल तो ये कल्चर आ गया है जो फास्ट फूड का, जगह जगह पे उन्हीं का नाम देखते हैं। भले भोजन हिंदुस्तान का है पर नाम उनका देख के बेचते हैं। क्या हमारा व्यंजन इतना अच्छा नहीं था? आज हमारा व्यंजन वहां वो लोग लेके तरसते हैं। मैं जाता हूं विदेशों में, अमेरिका में हमारे साथ बैठ के देशी पंगत खाते हैं, विदेशी नहीं खाते वो लोग। धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि धरती पर यदि स्वर्ग है तो सिंध है। धारसेन के बिना सिंध अधूरा है। आज यह स्मारक बनाना सार्थक हो गया। सिंध की मोहिन जोदड़ो की सभ्यता सबसे पुरानी है। सिंधु मित्र बप्पा रावत के स्मारक के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इसलिए महाराजा धारसेन का जब यहाँ स्मारक बनाने का हम लोगों को मौका मिला, उस समय लोग हमसे मजाक करते थे। वो हमसे कहते थे ये धारसेन कहां से लेके आ गए। हमने कहा चिंता मत करो, मदार गेट के ऊपर तांगे वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला आवाज देगा, चलो धारसेन। उन्होंने कहा आप दिन में सपने देखते हो। मैंने कहा मैं दिन में भी सपने देखता हूं, रात में भी सपने देखता हूं, 24 घंटे सपने देखता हूं। और आज जब आप यहां पर उपस्थित हैं और हम वर्ष भर में इतने वर्षों से आते हैं, देश भर के लोग, आज से 1300वां बलिदान दिवस पर तो देश भर के 14,800 लोग यहां श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। और मुझे ये कहने में बहुत प्रसन्नता है कि जब हम हेमू कालानी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, आजादी की लड़ाई में जितना बड़ा नाम, जितना बड़ा योगदान उस योद्धा का रहा हेमू कालानी जी का, हम आज के दिन महाराजा धारसेन से लेकर हेमू कालानी जी के बलिदान को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। अपना दायित्व समझते हैं कि हेमू कालानी जी को हम स्मरण करें। समारोह को शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला विकास राज्य मंत्री अनिता बधेल, महापौर धर्मेंद्र गहलोत, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, उपमहापौर संपत सांखला, भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश संगठन महामंत्री मोहनलाल वाधवानी, जयपुर बाड़मेर से तेजदान सिंह, देवीदान ने राणा रतन सिंह आदि ने भी संबोधित किया। वहीं रणवीर सिंह सोढ़ा, हुकुम सिंह ने भी अपने विचार रखे। मंचा सिंह, सभी लोग तथा यहां पर आए जितने भी हमारे शहर से तथा समितियों से अलग अलग, वैशाली नगर, अजय नगर, जितने क्षेत्रों से आए हुए सभी अतिथिगण, आप लोगों से
ये जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रम का हम लोगों का मन में एक ही उद्देश्य रहता है कि हम किसी भी तरीके से ऐसे सेनानियों को, जिन सेनानियों की वर्किंग से उनके हम लोगों ने जो ने काम किए, उन सेनानियों की हम बलिदान दिवस मनाएं तथा पुण्यतिथि हमारे उनके अपने जन्म शताब्दी मनाएं। ये दोनों कार्यक्रम 16 जून को और 25 तारीख को नियमित रूप से किए जाते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। रतन सिंह जी एक नहीं, थर पार करके पूरे सोडे अंग्रेजों के सामने लड़े थे। उसमें खास नगर पार करके सोडे जो थे वो भी लड़े थे, फिर भी लड़ते रहे। जब तक अंग्रेज की हुकूमत रही उन्होंने नहीं माना। रतन सिंह जी के परिवार ने रतन सिंह जी को सूली चढ़ाया जाता, नहीं फांसी। सूली वो थी जो इसे नीचे से दबाया जाता था तलवार की तरह और ऊपर आदमी के पेट में घुस जाती थी और उसके बाद में वो तड़प तड़प के सांस लेता था। उसके साथ रतन सिंह के साथ भग्गू जी को काले पानी निकाला गया था। आप सब सिंधी भाई बैठे हैं, देखो उनके साथ बहुत से सोडों ने बलिदान दिया, उनके नाम भी है। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि बनाने के पीछे केवल एक ही हेतु है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, और अपनी आग जलाए रखने के लिए नाम तुम्हारा लेगा। निश्चित रूप से इन्होंने अपने जीवन को होम कर दिया और इसी होम और इसी बलिदान की प्रेरणा को प्राप्त करके आज हम यहाँ एकत्र आए हैं। निश्चित रूप से आज के दिन इस स्थान से प्रेरणा लेके जाएंगे कि इन बलिदानियों ने, इन महापुरुषों ने जो अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, इन उदाहरणों का अनुकरण करते हुए इस देश और समाज की सेवा के लिए हम अपने आप को भी प्रस्तुत करेंगे। जो ये आयोजन किया गया है महाराजा दार्शन स्मारक के ऊपर, ये आज नहीं, आज के 5-6 दिन से कंटिन्यूसली जो यहाँ पे आयोजन होते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रेरणादायी है। और अभी जैसा कि महामंडलेश्वर जी ने अपने प्रवचन के अंदर जिस बात कही है कि हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, हमारे पहनाव को नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति और पहनाव ही हमारे इस देश की एक पहचान ये दिखाती है कि हम कहाँ से हैं, कैसे हैं। और इसलिए आज जो यहाँ पे आयोजन किया है, उसके अलावा पहले एक कवि सम्मेलन भी बहुत ही बढ़िया आयोजित किया गया। उस कवि सम्मेलन में बाहर से जो भी लोग पधारे थे उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रतन सिंह जी ने भगवत जी को बुलावा भेजा कि आ जाओ, धरती पे जान देने का वक्त आ गया है, क्या तुम तैयार हो। भग्गू जी के लिए कहा जाता है कि भग्गू जी हमारे वहां कहते हैं कि पग में जुती को पेरिणी, और उनकी शादी बिल्कुल नई हुई हुई थी, फिर भी वो रतन सिंह जी के कहने पे वहां आए और उन्होंने मोहम्मद अली शाह से मुकाबला किया और उस जो अंग्रेज का पट्टा वाला था उसका वहीं कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद वो वहां से एब्सकॉन्डर हो गए, उनको घोषित कर दिया गया एब्सकॉन्डर। उसके बाद वो राजस्थान में और सिंध में काफी जगहों पे उनको बताया जाता है कि यहाँ वो आए और स्वतंत्रता सेनानी जो और वहां कार्यरत थे उनके साथ उन्होंने काम किया। इसलिए सिंध के लोगों को मैं चरणों में उनके प्रणाम करता हूँ जिन्होंने विदेशों से एक एक आए हुए आक्रमणकारी का मुकाबला किया, 570 वर्ष तक मुकाबला करते हुए उसके बाद किसी आक्रमणकारी ने भारत के किसी अन्य प्रांत पर वह पांव रख पाया। इतने महान वीर जो सिंध के योद्धा थे, उनमें जो हमारे महाराजा नाहरसेन हैं, जिन्होंने केवल खुद ने नहीं उनके पूरे परिवार ने बलिदान दिया है। राणा रतन सिंह जी के लिए कविता पाठ सुना, वो भी सिंध में ही रहने वाले हैं, पाकिस्तान के सिंध में बसने वाले हैं, तो वहां रहने वाले लोगों को कितना जज्बा है, कितनी ज्वलंत आग है कि सिंध वापस हिंदुस्तान में मिले, उस संस्कृति के साथ गठजोड़ करके मिले जो संस्कृति हमारी पुरातन संस्कृति है। महाराज श्री अनेकों बार कहते हैं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूं तो सनातन धर्म को मानता हूं। उस सनातन संस्कृति को जिंदा रखना, जीवित रखना, इसके लिए सिंध का हिंदुस्तान में मिलना बहुत जरूरी है।
कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा धारसेन सर्किल से श्री प्रेम प्रकाश सेवा ट्रस्ट, श्री अमरापुर जयपुर के साई नंदलाल, स्वामी बसंतराम दरबार अजमेर के साई ओम प्रकाश शास्त्री को बग्घी में बिठाकर बैंड बाजों की धुन के साथ पुष्प वर्षा करते हुए स्मारक के मुख्य द्वार से लाया गया। इसके पश्चात सिंधुपति महाराजा धारसेन का चौथा राष्ट्रीय सम्मान श्री प्रेम प्रकाश सेवा ट्रस्ट श्री अमरापुर स्थान जयपुर को 51,000 रूपये का चेक, शौर्य श्रीफल माला साई नंदलाल स्वामी बसंतराम दरबार के साई ओम प्रकाश शास्त्री और गोवर्धन आसनानी जयपुर को प्रदान किया गया। प्रेम प्रकाश सेवा ट्रस्ट से आए संतों ने 51,000 रूपये का चेक व 11,000 रूपये धारसेन समारोह समिति को स्थायी निधि के रूप में वापस भेंट कर दिए। कार्यक्रम के दौरान हिंगलाज माता और जगतगुरु श्री चंद जी की पूजा अर्चना, महापुरुषों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन और महाराजा धारसेन की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कुमारी ममता तुलसियानी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम, देवीदास दीवाना, होचंद मुरियानी, लक्ष्मण दास दौलतानी और दिनेश ने देशभक्ति गीत और धारसेन पर कविता प्रस्तुत कर लोगों की वाहवाही लूटी। राजा डाहर सिंध जो राजा हुओ, गुण ज्ञानी ऐ ज्ञानी ध्यानी हुओ, ताकत वारो हिम्मत वारो हो, ताकत वारो हिम्मत वारो हो, ही शेर बडोला सानी हो, सिंध हिंद जी सभ्यता जो मरकज हो, सभ्यता जिते पहरी आई हुई, संगीत कला जीवन पातो, बाकी संसार हितां जातो। समारोह समिति की ओर से स्वागत भाषण कौल प्रकाश कृष्णानी ने दिया तो आभार नवीन सोगानी ने जताया। मन संचालन आभा भारद्वाज और महेंद्र कुमार तीर्थानी ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अमर शहीद राणा रतन सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया गया।